प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए हम लोग जो है ना पॉलिटिकल साइंस का पेपर लेकर के आ चुके हैं, और पॉलिटिकल साइंस में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बताने वाले हैं। पीछे के वीडियो में ना हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता देते हैं, अगर नहीं देखो तो जाकर चैनल पर देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट इसका PDF बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर कैसे डाउनलोड करना, वहाँ से आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, विषय कोड आपका 322 रहेगा, सेट कोड ए रहेगा। ठीक है, और 10 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल जो है ना आपका यहाँ पर एग्जाम जो होगा, ध्यान रखिएगा, 100 मार्क्स का एग्जाम आप लोगों का जो है ना यहाँ पर होने वाला। तो चलिए बिना देर करते हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग यहाँ पर देख लो, ठीक है, तो इसका मैंने पहले बताया, तो सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। आप लोग ना अच्छे से देखना इसको, और हो सके तो यार्ड वगैरह कर लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका जो है ना लघु प्रश्न पहले दिया है, इसमें 30 क्वेश्चन है, आपको 15 क्वेश्चन ही बनाना है, 2 मार्क्स वाला, तो टोटल 20 नंबर आपको मिलेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन बोला कि संविधान किसे कहते हैं, दूसरा है कि संसद या शासन प्रणाली क्या है, तीसरा है राष्ट्रपति के जो है ना विवेकाधीन शक्तियों का क्या तात्पर्य है, 4 नंबर की जो ना धन विधेयक के को परिभाषित करें, 5 नंबर की कानून के समक्ष समानता से क्या अभिप्राय है। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 6 नंबर बोला गया किसी संघ शासन की मूल विशेषता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, 7 नंबर की लोकतांत्रिक विवेकेंद्रीकरण की परिभाषा दीजिए, 8 नंबर की संवैधानिक परंपराओं का क्या अर्थ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया कि कानून एवं रीति रिवाज में अंतर बताए, 10 नंबर लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, और 11 नंबर पूछा कि सत्ता क्या है, 12 नंबर स्वतंत्रता क्या है, और 13 नंबर की प्राकृतिक समानता क्या है। इसके अलावा 14 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आर्थिक समानता क्या है, 15 नंबर प्राकृतिक न्याय का क्या अर्थ है, 16 नंबर की जो ना वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अधिकार किसे कहते हैं, और 18 नंबर मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। अगले क्वेश्चन आप लोग 19 नंबर को देखेंगे ना, तो बोला कि मानव जीवन में अधिकारों का क्या महत्व है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 20 नंबर बोला जो ना दुई सदन्यता क्या है, 7 में 21 नंबर के वित्त विधेयक को परिभाषित करें, 22 नंबर एकल संघ जो ना संक्रमणीय मत प्रणाली से आप क्या समझते हैं, और क्वेश्चन नंबर 23 है कि निवारक जो ना निरोध कानून से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपसे 24 नंबर पूछा कि अवशिष्ट शक्ति से आप क्या समझते हैं, और 25 नंबर की सांप्रदायिकता क्या है, और 26 नंबर की नक्सलवाद क्या है, 27 से गुट निरपेक्ष से क्या अभिप्राय है, 28 नंबर की सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा 29 नंबर प्रश्न की भारत की राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें, 30 नंबर की गठबंधन की राजनीति क्या है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन, आपको 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा, 5 मार्क्स वाले, तो टोटल 20 नंबर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक कैसे प्राप्त की जाती है, और क्वेश्चन नंबर 32 है कि न्याय और कानून में अंतर बताए, 33 नंबर स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। 24 नंबर को देखेंगे तो बोला गया मौलिक अधिकार और नीति जो ना निर्देशक तत्वों के बीच संबंध बताए, क्वेश्चन नंबर 35 है कि कानून के शासन से आप क्या समझते हैं, 36 है कि भारतीय संविधान के संगात्मक लक्षणों की जो ना परीक्षण कीजिए, और 37 नंबर की 73वें संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषताओं का विशेषता कौन कौन सी है, 38 नंबर के विश्व में शांति स्थापित करने के विभिन्न तरीके कौन कौन है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन को देख ली, इसका आंसर भी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, दूसरा का होगा, तो पहले मैं इसका PDF बता देता हूँ, आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका PDF आपको गूगल में मिलेगा, गूगल में जाकर के मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करके आप लोग डाउनलोड कर पाएगा। कैसे करना, चलिए फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे चले आएंगे। इस प्रकार से आपको नीचे आना है, नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 12th का सेशन देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट में क्लास 12th सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड और चेप लिखा मिलेगा, फर्स्ट वाले पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक बार पेज को रिफ्रेश आपको यहाँ पर कर देना है, ताकि लिंक वगैरह अगर नहीं काम करे तो आपको लिंक काम कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से नीचे आएगा, पहले व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन जरूर आप लोग ज्वाइन पर क्लिक करके कर लीजिएगा, फिर आपको नीचे बढ़ना है। इस प्रकार से ये
साइंस का सेशन है, थोड़ा नीचे बढ़ना है, ये रहा आपका आर्ट्स का सेशन, इसमें ऑल सब्जेक्ट है। फिलहाल आपको पॉलिटिकल साइंस का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए, पेज बढ़े को यहाँ पर आपको जरूर एक दो बार रिफ्रेश करना है ताकि सब्जेक्टिव का आंसर जैसे ही डाला जाएगा तो आपको दिखेगा, लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से नीचे आएगा। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन का हम लोग आंसर यहाँ पर दे दिए, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इसको मत आप लोग लिखिएगा, सब्जेक्टिव का जैसे ही आंसर दिख जाए ना लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट का आंसर आपको दिख जाएगा, और लॉन्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग का जो वीडियो बताऊंगा सारा आंसर मैं डालूंगा, आकर के डाउनलोड करके लिख लीजिएगा आप। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है ना पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर दे देते हैं। पहला का उत्तर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। पहला का उत्तर हो जाएगा, किसी देश या संस्थान को चलाने के लिए अहम सहमति से बनाए गए नियमों को संग्रह को संविधान कहते हैं। दो नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक दूसरे पर आश्रित है। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे जो ना नियंत्रित भी होती है। चलिए तीन नंबर का आंसर होगा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की विशिष्ट विवेकाधीन शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री का चयन, लोकसभा का और लोकसभा को भंग करना और जो है ना समाधान जारी करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। हालांकि ये अधिकार जो ना अयोग्य नहीं है बल्कि वे मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर निर्भर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चार नंबर का आंसर आप लोग देखेंगे ना, तो यहाँ देखो चार का आंसर है, देखिएगा धन विधायक जो ना धन विधेयक विपत्ति मामलों से जुड़े विधायक होते हैं। ये विधेयक कराधान, सामाजिक अव्यय, सरकार द्वारा धन सुधार उधार लेना और भारत की संचित निधि से धन का विनियोग जैसे मुद्दों से जुड़े होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। पांच का उत्तर देखिए आप लोग, कानूनी समानता का मतलब है कि कानून के सामने समानता के और सबके लिए कानून उनकी समान सुरक्षा अवधारणा यह है कि सभी मनुष्य जन्म से समान होते हैं, इसीलिए कानून के सामने समान हैसियत के पात्र हैं। कानून अंधा होता है और इसीलिए वह जिस व्यक्ति से निपट रहा है उसके साथ कोई मुसीबत जो ना मुरव्वत नहीं करेगा। चलिए छः नंबर का उत्तर हम लोग देखते हैं, छः का उत्तर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर आपका बिल्कुल ही हो जाएगा, संघीय शासन की दो विशेषताएं निम्नलिखित है, पहला सत्ता का विवेकेंद्रीकरण, दूसरा होगा सत्ता का संविधान द्वारा स्पष्ट बंटवारा। देखिए सात का आंसर हो जाएगा आपका विकेंद्रीकरण का मतलब है सत्ता और जिम्मेदारियों का वितरण और निर्णय लेने का अधिकार शासन के निचले स्तर तक पहुंचाना। विकेंद्रीकरण का मुख्य कारण यह है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे स्थानीय स्तर पर जो ना कुशलतापूर्वक हल किया जा सकता है। चलिए आठ का आंसर हम लोग देखते हैं, लेकिन आंसर हो जाएगा आपका कि संवैधानिक परंपराएं क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन ही होगा, इसको मत लिखिएगा, इसको लिखिएगा। संवैधानिक परंपराएं अच्छे राजनीतिक व्यवहार के नियम है, वे आम तौर पर जो ना आत्म संयम के नियम होते हैं, शक्तियों का पूर्ण उपयोग नहीं करते हैं, वे आमतौर पर अस्थापित संवैधानिक अभ्यास से विकास जो ना विकसित होते हैं लेकिन कभी कभी जानबूझकर बनाए गए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न का आंसर देखेंगे तो नौ नंबर का आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिएगा रीति रिवाज औपचारिक उन्मूलन और किसी भी जो ना प्राधिकरण द्वारा मान्यता के बिना फीके पड़ जाते हैं और गायब हो जाते हैं, लेकिन कानून तभी गायब होते हैं जब उन्हें किसी मान्यता प्राप्त प्राधिकरण द्वारा जो ना समाप्त किया जाता है। चलिए यहाँ पर 10 नंबर का आंसर आप लोग देखेंगे ना तो उत्तर हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व की जो ना वकालत करती है वो और इसका जो ना अधिकतर जोर समाजवादी आर्थिक प्रणाली में लोकतांत्रिक प्रबंधन पर रहता है। चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग 11 का उत्तर हो जाएगा आपका, देखिएगा सत्ता का मतलब है कि किसी व्यक्ति या समूह के पास दूसरे पर नियंत्रित करने की शक्ति या योग्यता। सत्ता को शक्ति का कानून रूप में माना जाता है। 12 नंबर का आंसर आप लोग देखेंगे ना तो आंसर आपको जगह प्राकृतिक समानता या दर्शाती है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं तथा उनकी जो है ना योग्यताएँ भी प्रतिभाएँ समानती है, इसलिए सरकार को ऐसे सामाजिक और
आर्थिक अवसर बनाने के लिए काम करना चाहिए जो सभी को उचित अवसर प्रदान करे। प्राकृतिक समानता वर्तमान वास्तविकता से कई अधिक एक आदर्श है। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग 12 का आंसर देख लिए। 13 नंबर का आंसर देखते हैं। 13 का आंसर हो जाएगा आपका कि स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से आज़ादी या आत्मनिर्भरता। चलिए 13-14 का आंसर देखिए। आंसर हो जाएगा कि आर्थिक समानता का मतलब है कि समाज में धन का वितरण इस तरह से लिया जाए कि सभी लोगों को फायदा ना हो, ना कि कुछ चुनिंदा लोगों को। आर्थिक समानता अर्थशास्त्र का एक मौलिक सिद्धांत है। एक स्वस्थ और समावेशी अर्थव्यवस्था का अहम पहलू है। आर्थिक समानता हासिल करने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। चलिए 15 का आंसर देखते हैं। आंसर होगा कि सामान्य शब्दों में प्राकृतिक न्याय का अर्थ वह न्यूनतम मानक एवं सिद्धांत जिसका प्रशासनिक अधिकारों द्वारा अनुसरण या पालन किया जाना चाहिए जब वे उन मसलों पर फैसला कर रहे हैं जो जनता से जुड़े हो। कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामलों में न्यायाधीश यानी जज नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग 15 का आंसर देख लिए। अब लॉन्ग की बात करते हैं। लॉन्ग में हम लोग यहाँ पर दिए हैं 31 नंबर का आंसर। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, आंसर जो होगा भारतीय नागरिकता पाने के कई तरीके हैं। तो आप पॉइंट दे दीजिएगा। ये आपका पहला नंबर का हो जाएगा, ये दूसरा, ये पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा, और ये आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। तो पहला हम लिखेगा जन्म के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है आपको जन्म के आधार पर जो लिखेंगे, जिसमें लिखना है अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा होता है तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाती है। माता पिता के आधार पर अगर किसी व्यक्ति के माता पिता भारतीय नागरिक है तो उनके बच्चे को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीयता के आधार पर, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश से राष्ट्रीयता हासिल करके भी नागरिकता जो ना भारतीय नागरिकता पा सकता है। उसके बाद लिखिएगा नागरिकता पंजीकरण। देखिए नागरिकता पंजीकरण प्रक्रिया के जरिए भी नागरिकता हासिल की जा सकती है। इसके बाद आगे चलिए हम लोग देखते हैं 32 नंबर का आंसर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कानून और न्याय के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर है। यह है कि कानून जो ना अधिनियमित निरस्त और संशोधित होते हैं, जबकि न्याय एक सार्वभौमिक मूल्य है। चलिए हम लोग 33 का आंसर आप देखते हैं। 33 का जो आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल होगा स्वतंत्रता का अर्थ है कि बाहरी शक्ति के नियंत्रण से मुक्ति या कई अलग अलग रूप में ले सकती है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के नियंत्रण से मुक्त राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। किसी देश, राज्य या जो ना अन्य समान इकाई की बाहरी सरकार से स्वतंत्रता। 34 का आंसर हो जाएगा आपका कि जो है ना मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त निर्बंधन लोकसभा देश की एकता, अखंडता और सदाचार आदि के आधार पर किया जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का आधार भी जो ना नीति निदेशक तत्व होते हैं, जैसे संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना और 86वां संविधान संशोधन का आधार भी नीति निर्देशक तत्व है। तो इस प्रकार से आपको मैंने सब्जेक्टिव आंसर बता दिया। आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहे कमेंट करिएगा, उसे हम वीडियो अपलोड करेंगे और गूगल में जाकर के आप सारे सब्जेक्ट का आंसर डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।